नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा दौरान भलाई योजनावां दे लाभपात्रियां नाल वर्चुअल ढंग नाल करनगे गल्लबात। रोजगार मेले तहत अज 51,000 तों वध नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं वंडे जाणगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नूं होर 5 साल लई वधाया। महिला स्वय सहायता समूहां नूं ड्रोन मुहैया करवाउण दी योजना नूं दित्ती मंजूरी। फास्ट ट्रैक विशेष अदालतां संबंधी योजना दा कीता विस्थार। सोमवार तों शुरू हो रहे संसद दे सर्द रुत्त इजलास लई केंद्र सरकार ने शनिवार नूं ऑल पार्टी मीटिंग सद्दी। अते पंजाब भाजपा के जनरल सकत्तर अनिल सरीन ने सूबे दीआं नगर निगम चोणां बीजेपी वल्लों इकल्लियां लड़न दा कीता ऐलान। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा तहत केंद्र सरकार दीआं भलाई योजनावां दे लाभपात्रियां नाल वर्चुअल ढंग नाल अज 11 बजे गल्लबात करनगे। यात्रा दा मंतव महत्वपूर्ण योजनावां तों संतुष्टि प्राप्त होण मगरों इन्हां योजनावां दे फायदे समाबद्ध ढंग नाल योग लाभपात्रियां नूं मिलणे यकीनी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री इस मौके ते प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र दी वी शुरुआत करनगे। इस पहल हेठ महिला स्वय सहायता समूहां नूं ड्रोन प्रदान कीते जाणगे ताकि इस टेक्नोलॉजी की वरतों रोजी रोटी कमाउन लई कीती जा सके। कुल 15,000 ड्रोन महिला स्वय सहायता समूहां नूं अगले सालां विच प्रदान कीते जाणगे। इन्हां महिलावां नूं ड्रोन उड़ाउण अते उसकी वरतों नाल संबंधित लोड़ींदी सिखलाई दित्ती जाएगी। इस पहल नाल खेतीबाड़ी विच टेक्नोलॉजी की वरतों नूं हल्लाशेरी मिलेगी। इस प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री एम्स देवघर विच 10,000वां जन औषधि केंद्र समर्पित करनगे। इस मौके ते ओ जन औषधि केंद्रां की गिणती 10,000 तो वधा के 25,000 कीते जाण दे प्रोग्राम दा वी उद्घाटन करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही अज दोपहर 4 बजे 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र वंडणगे। इस मौके प्रधानमंत्री नवे नियुक्त लोगों नूं संबोधन भी करनगे। रोजगार मेले देश भर विच 37 थावां ते लगाए जा रहे ने। इस तहत भर्तियां केंद्र सरकार सूबा सरकारां अते केंद्र शासित प्रदेशां दे वख-वख विभागां च हो रहीआं ने। देश भर च चुणे गए नवे नियुक्त लोग वख-वख सरकारी मंत्रालयां अते विभागां च अपनियां सेवावां देणगे। इन्हां विच रेलवे मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, माल विभाग, उच्च सिक्ख्या विभाग, स्कूल सिक्ख्या ते साखरता विभाग समेत सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय शामिल ने। नवे नियुक्त कीते जाण वाले कर्मचारियों नूं कर्मयोगी पोर्टल राहीं सिखलाई भी दित्ती जाएगी। ए सिखलाई आई गोट कर्मयोगी पोर्टल ते ऑनलाइन दित्ती जाएगी। इस पोर्टल ते 750 तों वध ई लर्निंग कोर्स उपलब्ध ने। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नूं 1 जनवरी 2024 तो अगले 5 सालां लई वधाउण दा ऐलान कीता है। इस योजना तहत देश दे 81 करोड़ गरीब लोगों नूं हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त दिता जांदा है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नवीं दिल्ली च पत्रकारां नूं इस बारे जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि इस बारे फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ मंत्री मंडल की बैठक दौरान लिया गया है। कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के। अनुराग सिंह ठाकुर ने दस्या कि मंत्रिमंडल ने औरतां दे स्वय सहायता समूहां नूं ड्रोन मुहैया करवाउण संबंधी केंद्रीय योजना नूं भी प्रवानगी दे दित्ती है। इस योजना तहत साल 2023-24 तों 2025-26 दौरान 15,000 चुने हुए स्वय सहायता समूहां नूं ड्रोन मुहैया करवाए जाणगे, जिन्हां की वरतों किसानां नूं खेतीबाड़ी नाल संबंधित सेवावां लई किराए ते देण लई कीती जाएगी। योजना लई कुल 1,261 करोड़ रुपए का योजना खर्च अलॉट किया गया है। गरीब परिवार की महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में इनको संगठित किया जाता है। देश भर में लगभग 89,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन है और 31,000 के लगभग क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं। इसमें से 15,000 स्वयं सहायता समूह का चयन किया जाएगा जो ड्रोन जिनको उपलब्ध करवाए जाएंगे।
अनुराग सिंह ठाकुर ने दसिया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 16वें माली कमीशन दीआं शर्तां नूं मंजूरी दे दित्ती है। वित्त कमीशन केंद्र अते सूबिआं विचकार टैक्सां दे शुद्ध कमाई दी वंड लई अते सूबे विच पंचायतां अते नगर पालिकावां दे सोमिआं दी पूर्ति लई सांझे फंड वधाउण लई जरूरी उपा सुझावेगा। एप और पॉस्को एक्ट से संबंधित केसों की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना को 2023-24 से 2025-26 तक यानी 3 वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। वर्तमान में 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स कार्यरत हैं। मंत्रिमंडल वालों फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना और पीएम जन मन योजना को भी मंजूरी दे दी है। सोमवार तो शुरू हो रहे संसद के सर्द रुते इजलास नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण लई केंद्र सरकार ने शनिवार नूं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। संसदी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बारे जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि मौजूदा इजलास 22 तरीक तक चलेगा अते इस दौरान 15 मीटिंगां होणगीआं। उन्हां ने विरोधी धिर तों सहयोग की अपील की है तां जो संसद विच उसारू चर्चा हो सके। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे ते खुले मन नाल चर्चा करन लई तैयार है। तेलंगाना में 119 मैंबरी विधानसभा लई वोटां करड़े सुरक्षा प्रबंधां हेठ पुआईआं जा रहीआं ने। सवेरे 7 बजे तो शुरू होई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। खब्बे पक्षी अतवाद तो प्रभावित 13 हफ्तिआं विच शाम 4 बजे तक वोटां पैणगीआं। 100 तो वध कौमी अते खेतरी पार्टियां दे 1190 उम्मीदवार चोण मैदान च ने। इन्हां चों 221 औरतां अते 1 ट्रांसजेंडर है। सूबे विच कुल 3,26,00,000 तो वध वोटर ने। वोटां पाउण लई 35,000 तो वध पोलिंग स्टेशन बणाए गए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट राही तेलंगाना दे वोटरां नूं रिकॉर्ड गिणती च वोटां पाउण दा सद्दा दित्ता है। उन्हां नौजवान अते पहली बार वोट पाउण वाले वोटरां नूं लोकतंत्र दे इस परब नूं मजबूत बनाउण लई अपने वोट पाउण दे हक दी वरतों करन दा सद्दा दित्ता है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के जनरल सकत्तर अनिल सरीन वालों जलंधर विच कीती गई प्रेस कॉन्फ्रेंस च यह ऐलान किया गया कि पंजाब विच आने वाली नगर निगम अते लोक सभा दीआं चोणां विच भाजपा इकल्लियां सारियां सीटां ते चोण लड़ेगी। इन्हें 85 से 85 वार्डा देते अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, लड़ेगी और जीतेगी। अनिल सरीन ने पिछले दिनी कपूरथला दे गुरुद्वारा साहब विच होईयां हिंसक घटनावां बारे पंजाब सरकार दी निखेधी करदिआं कहा कि पंजाब दी आम आदमी पार्टी सरकार अमन कानून दी स्थिति नूं बरकरार रखण विच पूरी तरह फेल साबित होई है अते पंजाब विच दिनों दिन लुट खोह ते गुंडागर्दी दीआं वारदातां आम हो रहीआं ने। साहब दे परिसर च गोलियां चलण मैं समझदा इस तो ज्यादा दुखदाई साढ़े सारे वास्ते कुछ नहीं हो सकता। वो साडा पावन स्थान है, उत्थे खूनी संघर्ष हो गए, यह बहुत अफसोसजनक है। उस वायलेंस को कंट्रोल ना करने से फेलियर जो पंजाब सरकार का होया, आप जिस तरीके देख रहे हैं कि रोज गैंगस्टर वॉर चल रही है, गैंगस्टर दी धमकियां आ रही हैं, लोगों को लुटखो हो रही है, अज भी एक लुटखो हुई है। इस दौरान अनिल सरीन ने पंजाब विधानसभा इजलास मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान के राष्ट्रगान विचों पंजाब दा नां हटाए जाने के खदशे की टिप्पणी ते भी इतराज प्रगट किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वालों पंजाब सरकार नूं सूबे दे लोकां दी भलाई लई स्कीमां तहत फंड दित्ते जा रहे ने जिन्हां दा पंजाब सरकार वालों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। देखिया कि किस तरीके दे नाल विधानसभा दे विच भगवंत मान जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वह बहुत ही ज्यादा निंदा योग है। उन्होंने कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी का जब बस चले तो राष्ट्रीय गान के विचों भी पंजाब शब्द ने भी उड़ा दे। शर्म आनी चाहिए एक मुख्यमंत्री ने फिर शब्द कहते हुए, अति निंदन योग है इस तरह का। केंद्र सरकार वालों चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा दौरान हमारा संकल्प विकसित भारत दीआं प्रचार गड्डियां पंजाब विच वख वख थावां ते जाके नरेंद्र मोदी सरकार वालों चलाईयां जा रही भलाई स्कीमां दा प्रचार कर रही ने। इस लड़ी तहत पटियाला दे आयुर्वेदिक हस्पताल शेरे पंजाब मार्केट विखे प्रचार गड्डी ने केंद्र सरकार दीआं वखो वखरीआं लोक भलाई स्कीमां दा प्रचार कीता। इस मौके जिला आयुर्वेदिक अधिकारी मोहन कौशल ने दस्सिया कि इत्थे मरीजां आम लोगां डाक्टरां आदि नूं केंद्र सरकार वालों चलाईयां जा रही लोक भलाई स्कीमां बारे जागरूक कीता गया। इस मौके मुद्रा लोन स्कीम तहत कर्जा लै चुके केवल सिंह ने कहा कि उसने पंजाब एंड सिंध बैंक तो कारोबार नूं वधाउण लई कर्जा लिया सी, उसनूं कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई। इस मौके एक होर मुद्रा लोन स्कीम तहत कर्जा लै चुके लाभपात्री रोहित कुमार ने कहा कि उसने पीजा का काम करने लई पंजाब एंड सिंध बैंक तो लोन लिया सी, मैनूं किसी प्राइवेट फाइनैंसर तो भी कर्जा लैण दी लोड़ नहीं पई, मैं मोदी सरकार दा धन्नवाद करदा। मेरा नाम नीलम है, इत्थों मेरी मम्मा दा इलाज होया सीगा ते असीं कार्ड यूज कर रहे हां आयुष्मान कार्ड ते सही।
ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦਾਖਲ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन ने जिला फरीदकोट के पिंड भाणा तहसील जैतो के पिंड चैना और करीरवाली विखे पहुंच के लोगों को केंद्र सरकार वालों दित्तियां जा रही सहूलतां और लोक हित लई चलाईयां जा रही योजनावां बारे जागरूक किया इस दौरान लाभपात्रियों के जरूरी दस्तावेज पूरे करके आयुष्मान कार्ड भी जारी किए गए मौके पर हाजर लोगों को भारत की एकता मजबूत करन और देश को विकसित आत्म निर्भर बनाने की सहु भी चुकाई गई विद्यार्थियों वालों रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए सैनीटेशन विभाग के अधिकारियों वालों स्वच्छ पानी की सप्लाई और जल ही जीवन है के आधार पर पानी की सरकार वालों किए जा रहे उपरालों की जानकारी सांझी की गई भारतीय जनता पार्टी के हल्का इंचार्ज गौरव कक्कड़ पिंड भाणा में करवाए गए समागम च मुख मेहमान के तौर पर शामिल होए और उन्होंने केंद्र सरकार वालों आम लोगों को दित्तियां जाने वाली सहूलतों बारे लोगों को जाणू करवाया उन्होंने कहा कि जे कोई भी पिंड वासी किसी कारण इस कैंप में नहीं पहुंच सकया तो वह उन्होंने कोल पहुंच करके अपन बनदिया सहूलत हासिल कर सकता है किसी को भी उन्होंने बनदिया सहूलतों तो वांझा नहीं रहन दिता जाएगा इस मौके नोडल अफसर इनशाक वर्मा ने दसिया कि मौके पर ही बहुत सारे लोगों के सेहत कार्ड और होर जरूरी सहूलत कार्ड तैयार किए गए वख-वख वर्गों लई चलाईयां जा रही लोक भलाई स्कीमां बारे जागरूक किया गया इधर जलंधर जिले के मैतपुर ब्लॉक विच शोले अते छूहड़ विच विकसित भारत संकल्प यात्रा तहत वैन वालों केंद्र सरकार दी भलाई स्कीमां बारे लोगों विच जागरूकता पैदा की गई इस मौके मैडिकल कैंप लगाया गया अते नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड वालों ड्रोन की मदद नाल खादा दे स्प्रे संबंधी किसानों नूं विस्थारपूर्वक जानकारी दी गई जिला प्रभारी जलंधर भारत प्रकाश भी इस मौके ते हाजर सन पिंड वासियों नूं विकसित भारत सौं भी चुकाई गई खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RIUDDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज अते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते भी देख सकदे ने बुलेटिन दे अखीर विच चोणवीआं खबरां इक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा दौरान भलाई योजनावां दे लाभपात्रियों नाल वर्चुअल ढंग नाल करनगे गल्लबात रोजगार मिले तहत अज 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही वंडणगे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नूं होर 5 साल लई वधाया महिला स्वय सहायता समूहां नूं ड्रोन मुहैया करवाउण दी योजना नूं दित्ती मंजूरी फास्ट ट्रैक विशेष अदालतां संबंधी योजना दा कीता विस्थार सोमवार तो शुरू हो रहे संसद दे सर्द ऋतु इजलास लई केंद्र सरकार ने शनिवार नूं ऑल पार्टी मीटिंग सद्दी अते पंजाब भाजपा के जनरल सकत्तर अनिल सरीन ने सूबे दीआं नगर निगम चोणां बीजेपी वल्लों इकल्या लड़न दा कीता ऐलान ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है इजाजत दिओ नमस्कार